आप किसी चीज़ को पसंद तब करते हैं जब आप घुसते हैं और वो एक कहते हैं ना कि आंखों में लगती है चीज़, तो वो एक लगी है। और जैसे मैंने डेवलपमेंट देखी है, आई थिंक ये पाकिस्तान की इन फ्यूचर वन ऑफ द बेस्ट होने जा रही है सोसाइटी। दे आर वर्किंग हार्ड और उन्होंने ये भी कहा है कि सितंबर तक ये इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट मिलेगी। और सेटिस्फेक्शन है जिस तरह की चीज़ें मैं एज अ क्रिकेटर मैंने जो पूछी हैं वो सारी आई थिंक मैच कर रही हैं और इंशाल्लाह विद इन 3-4 मंथ्स इसका पूरा नक्शा ही बदला होगा। पहला तो वाओ फैक्टर ये है कि जो इसका व्यू है, अगर आप साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन है अगर ग्राउंड को आप उसको देखें तो उसका सेम इसी तरह का इन्वायरमेंट है। और इसकी जो सिटिंग बन रही है ये बिल्कुल इंग्लिश स्टैंडर्ड की बन रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे ही सिटिंग की जाती है। न्यूजीलैंड में अगर आप जाएं आपको इसी तरह की बैठने की, वहाँ पे सीट्स नहीं होती, यहाँ पे ऐसे ही लोग बैठते हैं। और जब यहाँ पे फ्लड लाइट्स भी लगेंगी इसका और नक्शा बदलेगा, खूबसूरती आदि कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना इंशाल्लाह निखार भी आता जाएगा, मज़ा आता जाएगा। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द कैपिटल स्मार्ट सिटी। जब लोग यहाँ पे आएंगे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि ये फुल पैकेज है, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और जो मेरे लिए एज अ यंगस्टर मैं बात करूँ या एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बात करूँ कि किसी भी जगह पे ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कैपिटल स्मार्ट सिटी ये बहुत एक अच्छी चीज़ की है कि यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो आई थिंक होपफुली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम होगा इस्लामाबाद पिंडी में। और यंगस्टर के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे जो है फ़ोनों से नहीं हटते, लेकिन ये एक बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पर आएँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें।